अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, स्टिचिंग विद आयशा के साथ मैं हूं आपके साथ आयशा। आज की मेरी वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी पाइपिंग एक नए स्टाइल से। जैसे कि आपको पता है कि पिछले तकरीबन 7 या 8 साल से जो है वो डोरी पाइपिंग बहुत चल रही थी पाकिस्तान में, तो अब तकरीबन 3 से 4 माह से जो है बिल्कुल ही फैशन से आउट हो गई है। डोरी पाइपिंग जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो गई है, तो उसकी जगह पर या तो फोल्डिंग कपड़ा चल रहा है या ये इस तरह की ये जो हमारी पाइपिंग है जो मैं आज आपके साथ शेयर करूँगी ये चल रही है। लगाने की वीडियो भी मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। उसके अलावा फोल्डिंग कपड़े के साथ जो है वो अटैच बेल चल रही है, उसको किस तरीके से कपड़े के अंदर दबा के लगाते हैं वो भी मैंने आपको बताया था, मैंने अपनी एक वीडियो उसके ऊपर भी है मेरी। अब ये वाली जो पाइपिंग है इसमें ये सिंपल पाइपिंग है, इसके अंदर सिर्फ डोरी पाइपिंग नहीं होगी, जो डोरी है हमारी पाइपिंग वाली वो नहीं होगी, सिंपल जो है वो कपड़ा है। और कपड़ा भी जिस तरीके से हम पहले पाइपिंग लगाया करते थे और उसके नीचे जो है हम बुकरम या फ्यूजिंग अटैच करके फिर उसके ऊपर पाइपिंग लगाते थे, तो ये वो वाली पाइपिंग भी नहीं है। ये बहुत आसान है बगैर डोरी के और बगैर फ्यूजिंग के है, और लगाने में भी आसान है और दिखने में भी बहुत खूबसूरत लगती है। और आजकल फैशन में भी यही इन है, जितनी हमारी जितनी भी ब्रांड्स हैं जो अपनी कुर्तीज जो है वो स्टिच करके सेल करती हैं, हर जितने भी ब्रांड हैं पाकिस्तान में वो तकरीबन इसी तरीके से जो है वो या तो फोल्डिंग कपड़ा लगा रहे हैं या उनके ऊपर जो है वो ये वाली पाइपिंग लगी हुई होती है। तो यही पाइपिंग जो है वो मैं आज आपके साथ शेयर करूंगी। एक चौक के ऊपर जो है वो मैंने ये पाइपिंग जो है वो लगा के रखी हुई है, अटैच किया है इसको, ये देखें। और बैक साइड पे जो है वो इससे कपड़ा है, इसको अभी जो है वो मैंने फोल्ड नहीं किया है, इसको फोल्ड करेंगे। और ये देखें अभी मैं आपके सामने जो है वो इसको लगाती भी हूँ। और इस पाइपिंग जो सबसे अच्छी बात जो है मुझे लगती है कि इसको लगाने के लिए हमें अपना फुट जो है मशीन का वो चेंज नहीं करना पड़ता। जो हमारी डोरी पाइपिंग थी उसको लगाने के लिए हमें एक पैर का इस्तेमाल करते थे और ये पैडल उतार के दो पैर का और एक पैर का लगा देते थे। उससे ज़्यादातर जो है मशीन में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो जाती है। जिनके पास एक घर की मशीनें हैं, बड़ी जॉकी मशीन या दूसरी बड़ी मशीन नहीं है, तो ये मशीनें तो प्रॉब्लम ज़रूर करती हैं एक पैर से। तो इस पाइपिंग की अच्छी बात यह है कि ये दो पैर से ही लगेगी और बहुत आसानी से लगेगी। तो चलें आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले जो है ये मैंने बिल्कुल प्लेन कपड़ा था मेरा, और अभी ये जो मैंने आपको अपनी शर्ट दिखाई है इसमें जो है वो मेहरून कलर के फ्लावर हैं, तो मेहरून कलर का ही कपड़ा है मेरे पास। और उसको इसकी जो चौड़ाई है वो 2 इंचेस है, ठीक है, 2 इंचेस इसकी चौड़ाई है। और लंबाई जो है वो आपके चाक के और दामन के हिसाब से ही होगी, वो अपने हिसाब से आप काट लीजिएगा। सबसे पहले जो है इस कपड़े को हम यहाँ से फोल्ड करेंगे, ठीक है, यहाँ से इसको ऊपर की तरफ से फोल्ड किया। फोल्ड करने के बाद नीचे की तरफ से भी देखें, इतना इतना कपड़ा जो है वो हम ऑलमोस्ट आपका 1/2 इंच से 1/2 से ज़्यादा ही होना चाहिए ये कपड़ा, इतना तकरीबन आप इसको फोल्ड करके हम इसको लगाना शुरू करेंगे। ये देखें, अगर आपको उसका सही से अंदाज़ा नहीं होता या आपकी पाइपिंग जो है वो रेशमी है और आप दूसरे रेशमी सूट पे लगा रहे हैं, तो आप इसको इसी तरीके से करके बिल्कुल एक जैसा इक्वल करके इसके ऊपर जो है वो प्रेस कर लें। प्रेस करने से ये होगा ये एक तरह से बिल्कुल जम जाएगी और आपको लगाने के लिए जो है वो आसानी होगी। मैं इसको ऐसे ही लगाऊंगी क्योंकि मुझे इसके मेरा इसके ऊपर जो है वो हाथ सेट है, तो मैं आपको ऐसे ही लगाना बताती हूँ। ये देखें, ये मेरी शर्ट है, यहाँ से इसको मैंने फिटिंग की सिलाई लगाई है और एक साइड पर जो है मैंने इसके ये कपड़ा भी जो है वो मेरा अटैच किया हुआ है पाइपिंग वाला। अब ये वाली जो मेरी जगह है जहाँ पर हमारी फिटिंग जो है वो ख़त्म होती है, यहीं से जो है वो हम पाइपिंग जो है लगाना स्टार्ट करेंगे। ये देखिए, यहाँ जो मैंने आपको फोल्डिंग करवाई थी कि यहाँ से एक दफ़ा फोल्ड करेंगे, उसके बाद फिर इस साइड से फोल्ड करेंगे, इसको हम रखेंगे यहाँ पे। यहाँ पे हमारी हो रही है सिलाई ख़त्म, इससे थोड़ा सा ऊपर 1/2 इंचेस या ऑलमोस्ट आप इसको 1 इंचेस भी ले सकते हैं। नीचे की तरफ हम ये इसको रख के इस तरीके से, ये देखें, यहाँ से जो है वो हम सिलाई शुरू करेंगे, यहाँ से सिलाई शुरू करेंगे और इसको आहिस्ता आहिस्ता सिलाई करते हुए जो नीचे की तरफ लेके आएंगे। देखिए व्यूअर्स, मैंने अपने कपड़े को जो है वो मशीन के अंदर लगा लिया है और मैं इसको सिलाई देने लगी थी तो मैंने सोचा मैं आपको बता दूं कि मैं इसको किस हिसाब से लगाती हूँ। देखें, ये वाला जो पैर है, ठीक है, ये तो दरमियान वाली जगह है ना, तो जब मैं इसको सिलाई लगाती हूँ तो मैं इतना हिसाब रखती हूँ कि मेरे पैर के दरमियान में जो है ये वाली जगह है कपड़े की, ठीक है। मुझे सिर्फ जो हमारी पाइपिंग की चौड़ाई है मुझे सिर्फ इतनी सी ही चाहिए कि जब हम इसको सिलाई लगाएंगे तो ये वाला कपड़ा जो है वो इस पैर के बिल्कुल दरमियान में आना चाहिए। जब सिलाई लगेगी तो ये वाला हमारा कपड़ा जो है, कपड़े की ये वाली जो डबल फोल्ड की हुई जगह है, नीचे की तरफ जो हमने कपड़ा फोल्ड किया है, ये जो है हमारे पैर के बिल्कुल दरमियान में चलेगा, ठीक है। अगर आप इसको ज़्यादा बाहर निकालेंगे
इस पैर से थोड़ा बाहर कपड़ा नजर आएगा तो पाइपिंग जो है वो चौड़ी लगेगी। मैं इसको जो है वो ऊपर स्टैंड करके फिर मोबाइल को जो मैं अपनी वीडियो जो है वो शूट करती हूँ, तो मुझे था कि आपको दिखेगा नहीं, तो इसलिए मैंने उतार के जो है वो इसको बिल्कुल आपको यहाँ करीब से दिखाया है। ये देखें, एक दफ़ा और देख लें, ये वाला जो मेरा पैर है, पैर का जो ये वाला हिस्सा है, यहाँ पे जो है देखें आपको दरमियान में बिल्कुल ये वाली पाइपिंग नज़र आ रही है। ठीक है, इसको इसी तरीके से जो है वो मैं लगाऊंगी। देखिए मैं बस थोड़ा सा मैंने जो है उसको आगे से सिलाई लगा लिया। अब मैं इसको अपने अपनी तरफ से आपको उसको दिखाती हूँ कि ये मुझे कपड़ा जो है वो कैसे नज़र आ रहा है। ये देखें, पाइपिंग जो है वो मेरे पैर के बिल्कुल इस वाले पैर के इस वाली जगह पे बिल्कुल दरमियान में आ रही है। और बैक की सिलाई भी जो है वो मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखें, ठीक है, ये सिर्फ इतना कपड़ा जो है वो बाहर की तरफ जो है वो रहेगा, बाकी कपड़ा जो है वो उस तरफ को हम फोल्डिंग में दे देंगे। कपड़ा जो है वो मैंने दोनों साइड पे जो है वो मैंने इसको अटैच कर लिया है। अब मेरा नेक्स्ट स्टेप ये है कि हम अब इस अपने कपड़े को नीचे की तरफ जो है वो फोल्ड करेंगे, फोल्डिंग में देंगे। देखिए इसको पहले हम सीधा करेंगे, नीचे की तरफ देखें ये हमारा कपड़ा चला गया, ऊपर की तरफ जो है ये हमारी पाइपिंग आ गई। अब आप इसको जो है वो सीधा करके बिल्कुल अच्छे से हम इसको या तो नाखून लगा लूंगे या फिर जो है आप इसको प्रेस कर लें, इसको बिल्कुल सीधा करें। लेकिन नाखून लगाना और प्रेस करना जो है वो जरूरी है, क्योंकि इसके अंदर जो है कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ सिंपल पाइपिंग है कपड़े की, ना तो इसके अंदर डोरी है ना इसके अंदर फ्यूजिंग है, तो लाजमी आपको इसको प्रेस करना पड़ेगा या फिर इसको नाखून लगाना पड़ेगा। ये देखें बिल्कुल सीधी हो गई है नाखून लगाने के बाद। अब जो बैक साइड की तरफ कपड़ा है, अब हम इसको फोल्ड करेंगे। 2 इंच पे ये कपड़ा था, 1/2 इंच की हमारी पाइपिंग चली गई, अब तकरीबन 1.5 इंच ही हमारे पास कपड़ा है। अभी आपके ऊपर है कि आपको कितनी चौड़ी चाहिए, नीचे से कपड़ा कितना चौड़ा हो, इतना चौड़ा, या फिर इससे भी अगर कम करना है तो आप इसको नीचे की तरफ दबा दें। मुझे चूंकि दरमियाना चाहिए तो मैं इसको कपड़ा जो है वो 1/2 इंच से भी ज्यादा मैं नीचे की तरफ इसको दबा दूंगी और मुझे बस इतना ही चाहिए। ठीक है, ये मेरे ख्याल में बिल्कुल नॉर्मल साइज है, ना ज्यादा है और ना ही कम है। तो अब हम इसको जो है वो सिलाई लगाएंगे, सिलाई लगा के पूरा घुमा के यहाँ से और दूसरी तरफ जो है वो हम ला के इसको फिनिश करेंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पे पहले एक दामन के ऊपर जो है वो मैंने एक चौक के ऊपर जो है वो मैंने सिलाई जो है वो लगाई हुई है। देखें इतना ही फोल्डिंग कपड़ा है और नीचे की तरफ ये हमारी पाइपिंग आ गई है। पहले हम चौक्स पे लगाएंगे, उसके बाद जो है वो हम दामन के ऊपर बिल्कुल इसी तरीके से लगाएंगे जो तरीका कि मैंने चौक के ऊपर अप्लाई किया है। ये देखिए व्यूअर्स, अल्हम्दुलिल्लाह पाइपिंग जो है वो मेरी लग के बिल्कुल तैयार है। नीचे की तरफ ये देखें फोल्डिंग कपड़ा बिल्कुल एक जैसा, इस तरफ भी और इस तरफ भी, और यहाँ से भी देख लें, ये हमारी जो चौक वाली जगह है, ठीक है। अभी सारी जो है वो सिलाई मैंने अभी आपके सामने लगाई है। इस पाइपिंग में कुछ भी ऐसा खास नहीं है, सिर्फ एक थोड़ी सी जो है वो ट्रिक है कि जो पाइपिंग हम बुकरम के साथ लगाया करते थे वही जो है पाइपिंग अब विदाउट बुकरम के है, और बहुत आसान है। इंशाल्लाह आपको, आई होप मेरी वीडियो जो है वो समझ आ गई होगी, जो बात मैं आपको बताना चाह रही थी वो अल्लाह करे आपको समझ आ गई हो।
आई होप आपको मेरी आज की वीडियो भी पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दें। आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अपने कमेंट जो है करके जरूर बताया करें कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। अल्लाह हाफिज़।